सीबीआई पर बवाल, पास पर सवाल। जी हाँ, न्यूज इंडिया आज इसी की पड़ताल कर रहा है। स्वागत है आपका, मैं हूँ रजनी, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। जब से बिहार में इंटर का रिजल्ट आया है तब से लगातार फेल पर बवाल हो रहा है। बवाल तो होगा ही, जब 8 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी फेल हो जाएंगे तो क्यों नहीं होगा बवाल। शायद ही कोई ऐसा दिन हो कि इंटर काउंसिल ऑफिस के बाहर छात्रों ने हंगामा ना किया हो। रोज बवाल हो रहा है, रोज वहां पर नारेबाजी हो रही है और न्यूज इंडिया भी लगातार हर खबर आप तक पहुंचा रहा है, तहकीकात भी कर रहे हैं हम। सबसे पहले न्यूज इंडिया ने आपको दिखाया था कि जो टॉपर जिसे बनाया गया आर्ट्स का, दरअसल वो फर्जी टॉपर है। खबर का असर हुआ, अब वो जेल में है। लेकिन पड़ताल यहीं खत्म नहीं होती है, और भी कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। हमारी तहकीकात जब आगे बढ़ी, हम एक ऐसे स्कूल में पहुंचे जहां पर सारे बच्चों को, सभी 86 बच्चों को फेल कर दिया गया। अब आप सोचिए क्या ये संभव है? प्राचार्य खुद कह रहे हैं कि बड़ी लापरवाही है। एक ऐसे स्कूल में हम गए जहां पर पता चला कि सारे के सारे बच्चे पास हो गए, कोई पूरे के पूरे पास है, कोई पूरे के पूरे फेल है। इसीलिए ये बवाल है और सवाल है, इसकी हम तहकीकात करेंगे। हमारे साथ तमाम बड़े लोग जुड़ेंगे, उनसे सवाल भी करेंगे कि क्या जिन बच्चों को फेल कर दिया गया है उन्हें पास किया जाएगा या फिर से होगी परीक्षा। आज बात फेल पर बवाल की, पास पर सवाल की। हमने 86 बच्चों का प्रैक्टिकल में नंबर चढ़ा करके दे दिया और बोर्ड ने 86 बच्चों का प्रैक्टिकल नहीं चढ़ा पाया है। लगातार बीएसईबी लापरवाही करता जा रहा है और एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। न्यूज इंडिया जब कैमूर पहुंची तो एक स्कूल ऐसा था जहां के प्राचार्य परेशान थे कि हमने इतनी मेहनत की और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो परीक्षा में शामिल भी हुए, लेकिन सभी बच्चों को फेल कर दिया गया। ये लापरवाही हुई है और अब इसका खामियाजा बच्चे भुगत रहे हैं। बच्चे सारे के सारे उदास हैं, मायूस हैं, परेशान हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के इंटर का रिजल्ट जब से आया है तब से बिहार सरकार सवालों के घेरे में है। पहले 8 टॉपर गणेश फर्जी टॉपर निकला, पुलिस गिरफ्त में है, लेकिन और भी लोग हैं जो इंटर घोटाले में शामिल हैं। न्यूज इंडिया ने जब इसकी पड़ताल की तो हम पहुंचे कैमूर जिले के मोहनिया प्रखंड के श्री कृष्ण +2 स्कूल मुजान में, जहां इंटरमीडिएट का रिजल्ट आने के बाद मायूसी छाई है। इस स्कूल में कुल 86 बच्चों ने परीक्षा दी थी, लेकिन इनमें से कोई भी पास नहीं हो सका। प्रिंसिपल का कहना है कि यहां के सभी बच्चों का प्रैक्टिकल लिया गया था, लेकिन रिजल्ट में सभी को एब्सेंट दिखाया गया और जिससे बच्चे फेल हो गए। बोर्ड की कमजोरी कहा जाए, बोर्ड की खामी कहा जाए, बोर्ड की कमी कहा जाए, चूंकि मैंने तो सारा डॉक्यूमेंट जो है प्रैक्टिकल संबंधित विभाग को सौंप दिया है। हमने 86 बच्चों का प्रैक्टिकल में नंबर चढ़ा करके दे दिया और बोर्ड ने 86 बच्चों का प्रैक्टिकल नहीं चढ़ा पाया है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है बोर्ड की। आर्ट्स विषय में थे और जब पढ़ने सब विषय में पास हैं और होम साइंस का प्रैक्टिकल था, उसमें फेल हो गए। क्या प्रैक्टिकल का परीक्षा दी थी तुम? हाँ, दी थी। तो फिर क्या दिखा रहा है रिजल्ट में? अब आप खुद सोचिए, 8 लाख से ज्यादा छात्रों को फेल कर दिया, कैसे हुआ ये सब कुछ? इस स्कूल के क्या एक भी बच्चे पास होने लायक नहीं थे? सारे बच्चों को फेल कर दिया क्या? ये बताने के लिए काफी है कि बीएसईबी ने इंटर के रिजल्ट में हड़बड़ी में गड़बड़ी की है। न्यूज इंडिया के लिए कैमूर से देवव्रत तिवारी की रिपोर्ट। ये प्रैक्टिकल में गड़बड़ झाला क्यों हो रहा है? सबसे पहले गणेश की बात करें तो 70 में से 65 अंक उसे मिले, गड़बड़ झाला हो गया। अब यहां पर प्रैक्टिकल में सारे बच्चे उपस्थित थे, मौजूद थे, दिया भी उन्होंने टेस्ट, सबको एब्सेंट कर दिया। इतनी बड़ी लापरवाही, ये हो क्या रहा है? बीएसईबी के अध्यक्ष क्या कर रहे हैं? कई ऐसे सवाल हैं, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले रेजिडेंट एडिटर पटना से जुड़ गए हैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। कौशलेंद्र, कई सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर इतनी बड़ी लापरवाही, सभी 86 बच्चों को फेल कर दिया गया, उन्होंने मेहनत की, प्रैक्टिकल दिया, लेकिन उनकी एब्सेंट लगा दी। देखिए रजनी, सबसे बड़ा सवाल, मैं हम लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो सिस्टम पे उठा रहे हैं।
जी। ना किसी बच्चे पे उठा रहे हैं, ना किसी अध्यक्ष पे उठा रहे हैं, ना किसी, मैंने बार बार इस चीज को कहा है कि देखिए यहाँ कई लालकेश्वर हैं पहले से, और जब हमारी नजर जाती है, आज कैमूर पे नजर गई, कल और कहीं का कलई खुलेगा, तो ये सवाल है कि जब हमारी कहीं नजर जाती है और जब हम उसको दिखाते हैं, इसी तरह परत दर परत बीएसईबी का पोल खुल रहा है, अध्यक्ष अपने हिसाब से या उससे भी बड़ी बात है कि इसमें राजनीति होने लगती है और प्रवक्ता कूद पड़ते हैं, सत्ताधारी दल के लोग कूद पड़ते हैं कि नहीं जो भी हो रहा है मीडिया ट्रायल कर रहा है और मीडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल इसका है कि जब गणेश को लेकर के हमने सवाल उठाया, गणेश को सवालों के दायरे में लाया तो गणेश बाहर आ गया टॉपर से। अब जो कैमूर का मसला आया है और कई मसले धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, सिर्फ लाठी भांज कर छात्रों को इंटर काउंसिल के गेट से हटा देना कोई मसला उससे हल नहीं निकलेगा, उनके अंदर असंतोष है। जैसा ये कैमूर की रिपोर्ट, ये कैमूर की रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है कि कैसे हम बच्चे वहां पहुंचते हैं, एक तरफ गणेश जैसा विद्यार्थी 42 साल की उम्र में उम्र छिपा करके, जो कभी पढ़ने लिखने से कोई वास्ता नहीं, उसे संगीत जैसे विषय में ज्ञान नहीं तब इतना नंबर दिया जाता है, अब एक तरफ जहां लोग बच्चे उपस्थित हैं वहां की स्थिति देखिए कि बच्चों को नंबर ही नहीं दिया जाता है, वो फेल कर दिए जाते हैं। ये विडंबना है समाज का कि जिस शिक्षा के आधार पर, जिस शिक्षा का अलख जगाने के नाम पर सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, करोड़ों रुपया उनपे शिक्षा के बजट पे ला रही है, और वहाँ इतनी बुरी स्थिति है और खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। आप सोचिए 12th के एग्जाम का ये हाल है, आप किसी को कहीं एडमिशन लेना है, कहीं पर कुछ जाना है, तो वो तो बेचारा बच्चा फेल हो गया, आप सिर पकड़ के बैठा है कि करे तो क्या करे। कुछ बच्चे तो इतने ज्यादा सदमे में आ जाते हैं कि उनके तो कुछ भी कर सकते हैं वो। बिल्कुल, देखिए एक 12th और 10th एक ऐसा जगह है जहाँ से बच्चे अपने सपने का उड़ान भरते हैं, वहाँ उन्हें खुला आकाश मिलता है और वो राजधानी की तरफ भागते हैं, कोई कोचिंग करने भागता है, वहाँ से अपने जीवन की धारा को मोड़ना शुरू करता है, उसे लगता है कि नहीं अब हम आप एक जिम्मेदार स्टूडेंट की तरह, अब वो गार्जियन से बाहर निकलता है, अभिभावक के छाये से बाहर निकलता है और वहाँ आकर देखता है कि हमें क्या करना चाहिए, वो अपना एम तय करता है, लक्ष्य तय करके आता है। ये बहुत बड़ी आपने बात कही है कि एक गेम एक गोल जो है वो सपना जो है एंट्री करता है इंटर के बाद, और वो अगर सपने में नहीं साकार कर पाया तो दिक्कत होगी। आप हमारे साथ बने रहिए इस वक्त। सबसे पहले कैमूर से हमारे संवाददाता देवव्रत जुड़ गए हैं और जिस स्कूल की बात कर रहे हैं उनके प्रिंसिपल हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्रज बिहारी राम। बहुत बहुत स्वागत है सबका। ब्रज बिहारी राम जी, इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, कैसे हो गई? आपको कोई जवाब मिल पाया जब आपने पत्र लिखकर कहा कि ये कैसे लापरवाही की आपने? अब इसके संबंध में मैं क्या बताऊं, अब लापरवाही ही कही जाएगी। हमने तो जो डॉक्यूमेंट देना है यहाँ डीओ ऑफिस में जमा कर दिया है, ऑफिस में भी रिसीव करके अपना जो है डॉक्यूमेंट बोर्ड को भेज दिया, अब वहाँ से कैसे लोगों ने किया है, अब इसके विषय में मैं क्या बताऊँ। यहाँ से 86 के 86 बच्चों ने प्रैक्टिकल दिया था। जी हाँ दिया था, लेकिन उन्होंने जब फेल कर दिया, एब्सेंट ही दिखा दी कि ये बच्चे तो पहुँचे नहीं है। हाँ, बायोलॉजी में उन सब 8 बच्चों का चढ़ा है प्रैक्टिकल, बायोलॉजी में 8 बच्चों का चढ़ा है, बाकी में फिजिक्स केमिस्ट्री में एब्सेंट है, ज्योग्राफी में एब्सेंट है, गृह विज्ञान में एब्सेंट है। तो ये लापरवाही किसकी है, कहाँ चूक मानते हैं? अब तो मेरे समझ से तो बोर्ड ही लापरवाही करी जाएगी। अब ऐसे में बच्चों का क्या होगा? बच्चे तो बार बार आपको परेशान कर रहे होंगे कि सर ये क्या हो गया, मैंने प्रैक्टिकल दिया था, मुझे कहीं कोचिंग में जाना है, किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, कहीं और एडमिशन लेना है, तो बच्चों को जवाब आप कैसे क्या देते हैं? फिर कब तक इसका हल निकलेगा, कब तक वो जो फेल हो गए बच्चे उनका नंबर आएंगे, वो पास होंगे, क्या होगा उनके भविष्य का? बच्चों को जो भी हमसे बात कर रहा है बच्चे, उसको मैं बता रहा हूँ कि बेटा घबराओ नहीं, मैंने वहाँ ईमेल कर दिया है और मैं पुनः वहाँ पटना जा रहा हूँ कल, और वहाँ जा करके रिसीव कराऊंगा, ईमेल मेरा चला ही गया है, और वहाँ से सुधार होगा तो जल्दी ही तुम लोगों का जो है रिजल्ट आउट हो जाएगा। अच्छा, ऐसा पहली बार हुआ है या इसके पहले थोड़ी बहुत लापरवाही सामने आती रही है, या ये सब पहली बार ही है कि 86 बच्चे फेल? नहीं, मेरे साथ तो पहले ही बार हुई है।
तो इतना बड़ा जो बवाल हो रहा है, अब आपको क्या लगता है ये 8 लाख से ज्यादा जो बच्चे फेल हुए हैं उसमें गड़बड़ी हुई है कहीं ना कहीं, तभी इतने बच्चे फेल हो गए? अब इस संबंध में बिना गड़बड़ी का इतना फेल होना तो असंभव है। वो तो मीडिया वाले आप लोग भी बताइए रहे हैं, मीडिया से हम लोग भी जान रहे हैं गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी हुई है बिल्कुल। देवव्रत, आप तो हकीकत लगातार कर रहे थे, न्यूज इंडिया लगातार दिखा रहा है कि अगर इतने छात्र फेल हुए हैं तो उसकी वजह क्या है। भले ही शिक्षा मंत्री कहे नहीं सही है और जो हम दे रहे हैं रिजल्ट वो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ की बात तो पोल खुल गई है कि कितनी बड़ी लापरवाही बीएसईबी ने की है। हाँ वही बात है, कोई अपनी जिम्मेवारी दूर ही भागना चाह रहा है, कोई अपनी जिम्मेवारी संभाल नहीं पा रहा है, तो ऐसी अच्छी में तो होगा ही ये सब चीज जी। और मिडल प्राइमरी के लोग इंटर की कॉपी जांचेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल, सवाल बहुत सारे। आरजेडी के नेता इस वक्त आस्तिक शर्मा जी जुड़ गए, स्वागत है आस्तिक शर्मा जी न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार। नमस्ते, ये जो मामला हम उठा रहे हैं कैमूर का उठा रहे हैं, यहाँ पर 86 बच्चे प्रैक्टिकल में फेल कर दिए गए, एब्सेंट ही कर दिया उन्हें, ये क्या हो रहा है बोर्ड में? देखिए जो हुआ वह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है जी, और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जो रिजल्ट आया है उसमें यह बात सामने आ रही है कि जो लड़के IIT JEE की परीक्षा में अच्छे नंबर लाए हैं उनका यह प्राप्तांक 1 और 2 दिया गया है। जी जी, हम समझते हैं कि इंटर काउंसिल की जो इवेलुएशन पॉलिसी थी वह इवेलुएशन पॉलिसी बिल्कुल ही बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है, और राज्य सरकार से हम मांग करेंगे और मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा भी है, निर्देश भी दिया है कि बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा और सारी उत्तर पुस्तिकाओं को नए सिरे से पुनः विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकित कराई जाएगी, पुनः जांच कराने का मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिया है। जो हुआ है यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आस्तिक शर्मा जी, लेकिन बच्चों को आप कैसे समझाएंगे कि आपने मेहनत की है हम फल देंगे? कई बच्चे तो इतने दुख में है, किसी ने कुछ गलत कदम उठा लिया, किसी को हार्ट अटैक आ गया है, और अब ये देखिए 86 के 86 बच्चे जो फेल हो रहे, प्रिंसिपल भी जुड़े हैं अभी न्यूज इंडिया के साथ, ब्रिज बिहारी राम, वो कह रहे हैं बच्चे परेशान है, कह रहे हैं सर कब रिजल्ट आएगा, हमें आगे भी तो पढ़ना है, हमें आगे एडमिशन लेना है, अब उनका क्या होगा? नहीं नहीं अभी समय नहीं ज्यादा बीता है, बिहार सरकार काम कर रही है और उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन करा के इन बच्चों के साथ अन्याय नहीं हो, यह नहीं माना जा सकता, यह जस्टिफाई ठीक है, नहीं हो सकता है। उत्तर पुस्तिका ठीक है, बिहार बोर्ड का जो कोर्स ऑफ सिलेबस है स्टैंडर्ड है वह IIT के सिलेबस से हार्ड हो, जो बच्चे वहाँ केमिस्ट्री में अगर 35 नंबर ला रहे हैं और उन बच्चों को यहाँ 1 नंबर मिला, यह कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, और बिहार सरकार इस दिशा में काम कर रही है और उत्तर पुस्तिकाओं का वैसे बच्चों का जो कंपटीशन में पास कर गए उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का बहुत जल्दी ही पुनः मूल्यांकन करा के उन्हें उनके साथ उचित न्याय किया जाएगा, उनके मेरिट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दी जाएगी। ठीक है, अब वो तो हमने देख लिया है, गणेश टॉपर था, न्यूज इंडिया ने मामला भी उठाया था, फर्जी टॉपर है, तब हम लोग को मीडिया को बहुत कुछ कहा था अशोक चौधरी ने कि नहीं वो बिल्कुल टॉपर है, सही है, आपको कोई हक नहीं है सवाल करने का, सवाल किया तभी तो पड़ताल हुई और अब तभी फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। सिस्टम में कहीं कोई खामी आई है तो उस पर सरकार सजग है और इस चीज का हमें खुलासा उसी समय हो जाना चाहिए था जब वह परीक्षा दे रहा था, उसकी एज के और अन्य परीक्षार्थियों के एज में काफी अंतर होगा, लेकिन ना तो कोई एग्जामिनर ना कोई वहाँ स्कूल के इन्विजिलेटर ना सेंटर सुप्रिंटेंडेंट के स्तर पर यह सवाल उठाया गया। अब यह बात सामने आई है, इसके लिए मीडिया को धन्यवाद दिया जाएगा कि उन्होंने इस बात को पूरी तहकीकात के बाद आई और यह बात सच्चाई आई कि उन्होंने गलत तरीके से मेधा के साथ खिलवाड़ किया है, उन्होंने अपने उम्र को 2 बार बदला है जिसके लिए उनके कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है और राज्य सरकार से मांग करेंगे, इसमें वैसे सेंटर सुप्रिंटेंडेंट और इन्विजिलेटर जो वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई थी उस समय इसके कोई वीडियो कोई रिकॉर्डिंग की मॉनिटरिंग नहीं किया, सारी सिस्टम में कमी पाई गई है और इस कमी को दुरुस्त किया जाएगा
चलिए अब अच्छी बात है कि आप कमी मान रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, वरना सरकार गंभीरता से ले रही है, इसलिए बिहार के बच्चों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। एक बात और, प्रिंसिपल साहब जुड़े हुए इस स्कूल के, जहाँ के 86 बच्चों को प्रैक्टिकल दिया फेल कर दिया, मतलब एब्सेंट कर दिया, आप सोचिए एब्सेंट कर दिया है। ब्रज बिहारी राम जी जुड़े हुए हैं, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ब्रज बिहारी राम जी, अब आपने क्या कुछ किया है और वो बच्चे क्या सवाल करते हैं आपसे, और जब आपने देखा कि 86 बच्चे प्रैक्टिकल देने पहुंचे लेकिन एब्सेंट कर दिया, तो क्या रिएक्शन था आपका? मेरा रिएक्शन बच्चों के प्रति, अब तो उन सबों को तो हमें समझाना ही है, तो जो हो गया अब तो वहां से हुआ है, भूल बोर्ड से, हमने तो यहां से सब कुछ भेज ही दिया है, जितना सारे विद्यालय में डॉक्यूमेंट दिया है उतना तो मैंने भेज दिया, और भेजने के फलस्वरूप जब वहां से गड़बड़ी हुई और नहीं जब चढ़ा, तो अब हम फिर अब इसमें बच्चे और मेरा क्या कसूर? बच्चों को तो मुझे समझाना ही है कि बेटा अब कुछ दिन और थोड़ा वेट करो, उसमें सुधार हो जाएगा बोर्ड द्वारा, तुम लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। मतलब आप पास हो जाओगे, ये उम्मीद आपको लग रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे 100% उम्मीद है कि इसमें सुधार हो जाएगा। हाँ, आस्तिक शर्मा जी देखिए, कितनी उम्मीदें लगाकर बैठे थे बच्चे, प्रैक्टिकल देने भी गए थे, सबको एब्सेंट कर दिया, इतनी बड़ी लापरवाही, अब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा करे क्या करे। आप लोगों को तो वक्त लगेगा ना, सरकार को वक्त लगेगा उनको देखने में समझने में, लेकिन ये चूक जिनने की है उन्हें सजा मिलेगी? बिल्कुल, इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और यह बिहार के मेरिट का सवाल है, बिहार की प्रतिभा का सवाल है, यही बच्चे आईआईटी मेडिकल और सभी जगह पर बेस बनता है, इंटर की परीक्षा शिक्षा जगत में काफी अहम रोल रखता है, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं उस समय छात्र नेता था जब पटना विश्वविद्यालय से इंटर की पढ़ाई खत्म की गई थी, मैंने उसका काफी विरोध किया था कि पटना विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में जहाँ पर की इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ जो बिहार के क्रीम बच्चों को इंटर की साइंस आर्ट्स कॉमर्स की परीक्षाएं छात्र छात्राओं को मिल पाती है, वह पढ़ाई बंद कर दी गई और बिहार में इसकी कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं की गई है। आज आपको मैं कह सकता हूँ कि आज कितना भी कुछ हुआ लेकिन पटना विश्वविद्यालय की जो प्रयोगशालाएं हैं उसकी प्रयोगशालाएं के मुकाबले बिहार के किसी भी कॉलेज की प्रयोगशालाएं उतनी उन्नत नहीं है। तो सरकार को दिख क्यों नहीं रहा था? अशोक चौधरी को ये दिखा क्यों नहीं? कॉलेज के आईएएस के लड़के, आस्तिक जी, शिक्षा मंत्री को दिखा क्यों नहीं? और उसमें 300 लड़के आईआईटी और मेडिकल में साथ में चले जाते थे, 300 लड़के उसी समय चले जाते थे, लेकिन आज जो इंटर की रिजल्ट है उसमें 8 लाख बच्चे फेल किए हैं, इसका मतलब कि राज्य सरकार को पुनः विचार करना पड़ेगा कि जो विद्यालयों में इंटर की परीक्षा की पढ़ाई की व्यवस्था की गई क्या यह उचित है, या उसे पुनः कॉलेजों में जो शिक्षक प्रशिक्षित शिक्षक हैं वहां पर व्यवस्था पुनः रिटेक किया जाए। बहुत बड़ा सवाल है, 8 लाख बच्चों का फेल करना बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के विकास के लिए बहुत ही प्रश्न वाला सवाल है। हाँ, आस्तिक जी हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, कौशलेंद्र प्रियदर्शी, कुछ कहेंगे आप? चलिए कोशिश करेंगे बात करने की। देवव्रत, ये जो मामला सामने आया है, आपने जो पड़ताल की है, बच्चे क्या कह रहे थे? वो तो बहुत ज्यादा परेशान होंगे, अचानक से जब रिजल्ट आया और फेल हो गए तो क्या उन्होंने कहा फिर? जी, इस समय कैमूर का स्थिति वो बना हुआ है, परीक्षा में बच्चे फेल होने के कारण ये स्थिति बन गया है कैमूर का, कि बच्चे तो रो ही रहे हैं, एक बच्चिया के हार्ट अटैक होने से मौत भी हो गई है, परीक्षा के रिजल्ट देखते ही बच्ची की हार्ट अटैक कर गई और मर गई। इस तरह के स्थिति में सारे बच्चे परेशान होकर कलेक्ट्रेट गेट पर जाते हैं और अधिकारियों के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ तो अधिकारी न सुनने वाले हैं, न तो सरकार सुनने वाली है, लोग परेशान है, यहाँ शिक्षक 3 दिन से जाकर कैंप किए हुए हैं पटना में मुजान के, लेकिन वहाँ भी उनको कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा है, न तो उनको ये किया जा रहा है। आस्तिक शर्मा जी, सुना, वही मैं कह रही थी कि रिजल्ट इतना देखा जब लोगों ने कि अरे ये क्या हो गया, एक बच्ची की तो हार्ट अटैक से मौत हो गई, उसे विश्वास नहीं हुआ कि मैंने इतनी मेहनत की और मैं फेल कर गई। बच्चों को और उनके अभिभावकों को अभी बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, बच्चे बहुत जल्दी हतोत्साहित हो जाते हैं, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, और एक बात और,
भारतीय जनता पार्टी के नेता जी लोग जो इसमें राजनीति कर रहे हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चों को सड़क पर लाने की अपील, बच्चों को रोड पर लाने की अपील, उन्हें मिसगाइड करना, यह बिहार के बच्चों के साथ और ही खिलवाड़ हो रहा है। उन्हें समझाने की जरूरत है, उन्हें सांत्वना देने की जरूरत है कि उनकी मेरिट को कोई छीन नहीं सकता है, कोई क्रश नहीं कर सकता है। बिहार सरकार उन बच्चों के साथ है, उन बच्चों को न्याय मिलेगी, इसके लिए बिहार सरकार पूरी तरह से तत्पर है, कार्रवाई कर रही है। और इसी का परिणाम है कि पिछले बार जो मामला आए थे कि गलत ढंग से मेरिट को हनन किया जा रहा था, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है। इस बार भी जो मेरिट के आकलन में जो गड़बड़ी हुई है या जो जिस स्तर पर भी जो गड़बड़ी है, रोड मैप बना के बिहार सरकार काम करेगी। बिहार के बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें कोई गलत डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। वे कृपया धैर्य बनाकर रखें और उनके साथ न्याय होगा। ठीक है, आशिक शर्मा जी, न्यूज इंडिया पर क्या आपके जो प्रिंसिपल अभी जुड़े हैं उस स्कूल के, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? वो सबसे ज्यादा परेशान है क्योंकि बार बार बच्चे आकर उनसे सवाल कर रहे हैं, सीधे उनसे सवाल कर रहे हैं, उनकी कोई गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी कोई कर रहा है और घेरे में कोई है। मैंने प्राचार्य प्रिंसिपल साहब का यह फर्ज बनता है कि छात्र छात्राएं अपने अभिभावक से ज्यादा भरोसा करते हैं अपने गुरुजन पर, गुरुजन का मार्गदर्शन, वे काफी समय उनके साथ व्यतीत करते हैं, उन पर भरोसा रखते हैं। तो आज के स्थिति में गुरुजन और प्राचार्य महोदय का भी जिम्मेवारी है कि बच्चों को सही मार्गदर्शन दें और उन्हें सांत्वना दें और उन्हें ढाढ़स बनाएं कि उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। जो भी उन्होंने प्राप्त की है, ज्ञान प्राप्त किया है, उसे न कोई छीन सकता है, न कोई उसे दबा सकता है। उन्हें धैर्य के साथ आगे भविष्य में अच्छा करने की प्रेरणा देने की जरूरत है। प्राचार्य महोदय को यह फर्ज बनता है कि वो बच्चों को सही दिशा निर्देश दें, उन्हें सड़क पर आकर रोड जाम प्रदर्शन करने का, तोड़फोड़ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इन बच्चों को ये जरूरत ना पड़े। हाँ आशिक शर्मा जी, इन बच्चों को ये जरूरत ना पड़े, इसलिए हम आपके साथ जुड़े हैं। और क्या आप इस पूरे मामले को देखेंगे? वो 86 बच्चों का मामला, जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल दिया लेकिन उन्हें एब्सेंट कर दिया गया, क्या इस मामले को आप देखेंगे? सरकार को विशेष रूप से मामला बताएंगे ताकि इन बच्चों का रिजल्ट जल्दी आए और ये आगे बढ़े। देखिए, आज ही सीबीएसई की प्लस टू सीबीएसई टेंथ क्लास की रिजल्ट हुई है। वहाँ भी काफी संख्या में लड़के अपियर होते हैं, उनकी परीक्षाएं जो होती है उस समय न कोई फोर्स की जरूरत होती है, न कोई वैसा इवेलुएशन, पूरे भारत भर में इवेलुएशन होता है। लेकिन बिहार में 12 लाख बच्चों का परीक्षा संचालित कराने, इसके साथ साथ अन्य भी कई परीक्षाओं के संचालन में असफलता आई है सामने, जिससे बिहार के बच्चों में एक गहरी निराशा की भावना उत्पन्न हुई है। लोगों लगता है कि सब जगह गलती हो रहा है। बिहार सरकार को हम आग्रह करेंगे कि परीक्षाओं के आयोजन में, परीक्षा फल के प्रकाशन में निष्पक्षता हो, पूरी तरह से सही मापदंडों के अनुसार कार्रवाई की जाए और इसके लिए जो भी जिम्मेवार है, जो भी जो गलत कर रहे हैं उनको सजा दे। और जिस तरह 2016 में बिहार सरकार ने कड़ी कार्रवाई की, इस वर्ष भी बच्चों के साथ ऐसा इनजस्टिस करने वालों के साथ कड़ी कार्रवाई होगी, यह विश्वास है, और बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन लापरवाही की है, प्रिंसिपल खुद ही कह रहे थे कि भाई बोर्ड की गलती है, फिर तो बोर्ड में कौन है अध्यक्ष, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री कौन है? अशोक चौधरी, इस्तीफे की मांग छात्र भी कर रहे हैं, सड़कों पर उतरकर बवाल कर रहे हैं फेल को लेकर। देखिए मैडम, मंत्री जी और बोर्ड के अध्यक्ष की ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, तो किसकी? अब आपको बता दें, जो टॉपर गणेश वाले मामले में जी, इसने फॉर्म भरा, फॉर्म का ऑनलाइन सब भरने का व्यवस्था था, रजिस्ट्रेशन हुआ, हाँ वहाँ पर नहीं, सबसे पहला चेक गेट था इसका परीक्षा सेंटर। हाँ, परीक्षा सेंटर पर जब वह लड़का परीक्षा देने गया तो एक 42 साल का लड़का और एक 18 साल का बच्चा, जनरली इंटर के परीक्षार्थी 18 साल से 22-24 साल के अंदर के रहते हैं, 20 साल के गैप वाले बच्चा जब परीक्षा दे रहा है तो वहीं पर इन्विजिलेटर को सवाल उठाना चाहिए था। आप ये बताइए ना, आशिक शर्मा जी, ये बताइए, आप कह रहे हो कि जिम्मेदार बोर्ड नहीं है, आप कह रहे हो कि जिम्मेदार शिक्षा मंत्री नहीं है? अगर अच्छा रिजल्ट आता, तो शिक्षा मंत्री तारीफ करते। सुनिए, मेरे कहने का मतलब, आशिक शर्मा जी सुनिए, सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। और
बोर्ड के अध्यक्ष ही सारे सवालों के जवाब दे हैं। सुनिए सुनिए, देखिए अच्छा काम होता तो बोर्ड तारीफ करता कि हाँ अध्यक्ष ने अच्छा काम किया है, शिक्षा मंत्री ने, अब जब खराब किया तो फिर जिम्मेदारी वो क्यों नहीं ले रहे, वो क्यों जिम्मेदार नहीं है, वही तो वही लोग तो देख रहे हैं ना कि इस बार रिजल्ट अच्छा आना था, एक घोटाला हो गया, दूसरा ना हो, दूसरी लापरवाही ना हो, जिम्मेदार उन्हें भी मानना चाहिए, उन्हें कैसे अलग कर सकते हैं हम। मैं बोल तो रहा हूँ कि यह पूरी जिम्मेदारी बिहार सरकार की है, लेकिन हर वो व्यक्ति जो इस सिस्टम का अंग है उसको अपनी जिम्मेदारी भी समझनी पड़ेगी। अगर सेंटर आज जो स्थिति है कि गणेश के फर्जी मामले में वहां के प्राचार्य सब जेल जाने के द्वार पर है, पिछले बार इंटर काउंसिल के करीब 18-20 व्यक्ति सब प्रिंसिपल और कई वीडियो वगैरह सब चले गए जेल, तो हम यह कहना चाहते हैं कि उन पदाधिकारियों को जो परीक्षाओं के विभिन्न तत्वों पर जुड़े हुए हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी एहसास होनी चाहिए। अब प्राचार्य महोदय का रिजल्ट में गड़बड़ी हुआ तो यह भी हो सकता है कि इन्होंने टाइम पर सबमिट नहीं किया होगा टेबलेशन। ठीक है, वो सवाल और कर लेते हैं। प्रिंसिपल साहब, टाइम पर सबमिट नहीं किया था क्या, सवाल आप पे ही उठ रहे हैं। नहीं नहीं, समय से पहले मैंने दे दिया था। सुन लिया आपने आस्तिक शर्मा जी, डेट से पहले मैंने, हमें तो याद है 12 अप्रैल। नहीं, ये तो जांच का विषय है ना, लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड के अध्यक्ष जो आनंद किशोर जी हैं उन्हीं पर थोप देना यह उचित नहीं है। उनके पास प्रमाण है, बार बार सवाल उन पर उठा रहे हैं, सवाल सरकार पर उठ रहे हैं। चलिए, सवालों का जवाब आपने दिया, थोड़ा सा वक्त न्यूज इंडिया के लिए दिया। आस्तिक शर्मा जी शुक्रिया, प्रिंसिपल उस स्कूल के जुड़े हैं ब्रज बिहारी राम जी, आपका शुक्रिया। देवव्रत आपका शुक्रिया, कौशलेंद्र प्रियदर्शी चाचा भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फेल को लेकर बवाल मचा हुआ है बिहार में और पास को लेकर सवाल है, घेरे में सरकार है। अब देखने वाली बात है कि आखिर किन किन पर कार्रवाई होती है, किन किन को जेल भेजा जाता है इस सब गड़बड़ी के लिए, और छात्रों के भविष्य को लेकर क्या सरकार एक बार फिर से सोचेगी, क्यों बार बार गड़बड़ी हो रही है बोर्ड में, कहीं टेंथ के रिजल्ट में ऐसी ही गड़बड़ी तो नहीं होगी, सोचना होगा सरकार को। हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। हमने 86 बच्चों का प्रैक्टिकल में नंबर चढ़ा करके दे दिया और बोर्ड ने 86 का 86 बच्चों का प्रैक्टिकल नहीं चढ़ा पाया है। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।